शख्स ने वाकई काबिले तारीफ काम किया है। वर्कशॉप का ये काम करते हैं, सामने आप दुकान देख सकते हैं, यहाँ पे रिपेयरिंग का काम करते हैं गाड़ियों का, मगर जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ इस गाड़ी को इन्होंने मॉडिफाई किया है, काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है और इस गाड़ी का नाम जो रखा है मिनी थार रखा है। इनसे हम जानेंगे कितनी पुरानी ये गाड़ी और कितना टाइम इस गाड़ी में मॉडिफाई करने में इनको लगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बताएं थोड़ा कितना टाइम इस गाड़ी में लगा आपको और कब ये शौक पड़ा आपको इस गाड़ी को बनाने में? सर शौक तो पहले से था हमें मिनी थार लेने का, मगर थार नहीं ले सके, हमने अपनी थार मिनी थार बना ली। सर हमें इसमें टाइम लगा 8 महीने और यकम जनवरी से हमने स्टार्ट किया था। हमने 3 महीने का इसका प्रोसेस रखा था, हमने 31 मार्च को इसको रोड शो कराना था, मगर 22 मार्च को ही लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। ये गाड़ी कहाँ से लाई थी आपने? ऐसे सर ये गाड़ी एक्सीडेंट गाड़ी थी, हमने स्क्रैप में ले ली थी सर ये गाड़ी। कितने की ली थी स्क्रैप में आपने? सर स्क्रैप में ली थी, अब उतना याद नहीं है कितने की ली थी, सस्ती ली थी, बहुत ज़्यादा सस्ती ली थी हमने। अच्छा, तो कंडीशन थी तब इसको बनने की? नहीं सर इसकी कोई कंडीशन नहीं थी बनने की। तो फिर आपको कैसे दिमाग में आया कि इस तरह का आप करेंगे, इतना अच्छा काम करेंगे? तो स्टार्टिंग कहाँ से की इस गाड़ी पर आपने? सर हमें शौक तो था पहले का, बहुत पहले का हमें। स्टार्टिंग कहाँ से की जब गाड़ी आपने बनाई है? स्टार्टिंग हमने बॉडी से की थी सर, पहले इसकी बॉडी बनाई थी हमने, उसके बाद हमने इसका थार की लुक दे दी। तो इसमें आइडिया वगैरह किसी से लिया था आपने कि इस तरह की गाड़ी मैं बनाना चाहता हूँ या कुछ ऐसा? नहीं सर हमें, मैंने बताया ना आपको कि मुझे शौक था थार लेने का, आइडिया ले नहीं सके आप, तो आपने खुद अपनी थार तैयार कर दी? जी जी सर जी। तो कितने लोगों ने इस गाड़ी को आपकी हेल्प की है बनाने में? सर हमारा हेल्प तो किसी ने नहीं किया, हमें अपने ही भाई है उनने हमारा साथ दिया तो हमने बना ली। तो यहाँ पे कितने अरसे से आप इस तरह का काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं गाड़ियों का? सर हमें 10 साल हो गए ये काम करते हुए, 10 साल। हम मैकेनिकल का डेंट इसका बॉडी का काम नहीं करते, बॉडी का सर हमने फर्स्ट टाइम काम किया है। कितना पैसा इस गाड़ी में खर्चा आपने लगाने? 1,00,000 से 1,40,000 तक इस पर खर्चा किया है सर। डिमांड्स आ रही हैं आज भी इस गाड़ी के लिए कि हमें इस गाड़ी ऐसी गाड़ी बना के दे दो, या काफ़ी दूर से लोग भी आते होंगे इस गाड़ी को देखने के लिए? जी सर बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, बहुत लोगों का शौक है कि इस गाड़ी को चलाएं, मिनी थार को हम चला लें। और हर तो आप देंगे तैयार करके, अगर कोई बोलेगा आपको कि हमें गाड़ी तैयार करके इस तरह की देंगे, किस तरह की आप देंगे गाड़ी तैयार? जी सर अगर किसी को बनानी होगी तो उनका अगर खर्चा होगा, गाड़ी उनकी होगी तो इसका खर्चा उनको 60,000 से 80,000 तक का खर्चा आता है। हमें तो पूरी गाड़ी एक्सीडेंट गाड़ी थी, उसकी वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा आया था इसमें। तो जो आपने इस पे एसेसरीज लगाई है तो वो यहाँ पे अवेलेबल हुई आपको कि बाहर से मंगानी पड़ी? नहीं सर हमें बाहर से सारा सामान इसको बाहर से मंगाना पड़ा। माइलेज वगैरह क्या देती है ये? माइलेज सर मारुति की जो है अपनी 20-22 माइलेज है। न्यूट्रल में भी चला सकते हैं आप? जी सर बंद करके भी इसको चला सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इनके जिनने इसकी हेल्प की है इस गाड़ी को बनाने में, वो मेरे साथ ठीक पीछे बैठे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर बताएं थोड़ा कहाँ से आइडिया आया आपको और इस तरह की गाड़ी आपने तैयार की, वाकई काबिल तारीफ है, तो कितनी खुशी आपको इस वक्त लग रही है? सर खुशी तो बहुत हो रही है, और रही आइडिया की बात, तो आइडिया इनका था, मेरे भाई का था आइडिया, तो ये बहुत पहले से ही इनका शौक था कि मैं थार ले लूँ, तो कुछ फाइनेंशियल मतलब प्रॉब्लम थी तो हम उस वो नहीं अफोर्ड कर पाए, तो उसके बाद इन्होंने सोच लिया कि हमारे पास एक ये जो स्क्रैप में इसने गाड़ी ले ली, तो इन्होंने सोचा कि हम इसी को मॉडिफाई कर लेंगे थार की लुक में, तो इन्हीं का आइडिया था। तो उसके बाद इंटरनेट का भी कोई हाथ है? इंटरनेट से भी आपने कुछ देखा है कि इस तरह का कोई मॉडल हम बनाएं? जी हाँ पहले तो हमने खुद का माइंड किया था, तो फिर हमने इंटरनेट पे भी सर्च किया, तो हमने तस्वीरें निकाली इनका डिज़ाइन जैसे थे तो हमने वो निकाला, तो उसकी थोड़ी सी उसकी वहाँ से भी मदद हुई हमारी, तो इसलिए हम। बाकी जो लोग हिम्मत हारते हैं क्या मैसेज होगा उनको आपकी तरफ से? मैं कहता हूँ कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, बीच रास्ते अगर कोई काम पकड़ो आप तो उसे बीच रास्ते में कभी नहीं छोड़ो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, हमें भी प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं हमें भी, तो हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो मैं इन न्यू जनरेशन जो भी है तो मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी अपनी हिम्मत ना हारें। आपने कहीं सीखा है कहीं ये काम, कहाँ सीखा आपने जो रिपेयरिंग का काम है? सर रिपेयरिंग का काम मैंने यहीं ठाठरी में ही सीखा है, तो मैं 2012 से ये काम कर रहा हूँ। पढ़ाई वगैरह आपने की है कुछ? जी सर 10th तक की है, उसके बाद छोड़। बाकी सच में काबिले तारीफ काम है, और इनको बचपन से जो शौक था वो था थार लेने का, और थार लेने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे और इनने अपनी थार तैयार की जिसका नाम मिनी थार है, और काफ़ी पुरानी गाड़ी है, स्क्रैप में इनने ये गाड़ी खरीदी थी, तो सलूट बनता है इनके लिए कि ऐसा काम एक मिस्त्री ऐसा काम करे
आपको मिलाते रहेंगे जो इस तरह का काम करते हैं, साथ में जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। वसीम कतू, डोडा।